गुड मॉर्निंग डियर यूट्यूबर्स। तो गुड मॉर्निंग, वेल वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल द आरआर बाइकर्स, अपने चैनल का लोगो यहाँ पे। तो आज के एक नए राइड की शुरुआत कर रहे हैं। राइड है, छोटा सा राइड है, यही पास के कंट्री में जा रहे हैं, इंडिया टू नेपाल, पुणे टू नेपाल। तो अभी मैं ब्लॉग करना चालू किया, बट मैं घर से निकला था सुबह 4 बजे, और अभी मैं हूँ अपना लासलगांव के पास में, जो मैं सिन्नर वाले रूट से जा रहा हूँ। आज मुझे पहुँचना है इंदौर, तो आज का ये टारगेट है। तो अभी मैंने राइड स्टार्ट करके लगभग 2 घंटे हो चुके, तो मैं निकल रहा हूँ अभी इंदौर के लिए। तो ऐसा रहेगा अपना आज का जर्नी का प्लान, और इसी हिसाब से मैं अभी यहाँ पे रुका था। एक स्पेशल ऐसी जगह थी इसलिए रुका, यहाँ पे रिवर है साइड में। तो चलो अभी निकलते हैं, राइड वापस स्टार्ट करते हैं। आधा एक घंटा मैंने अभी यहाँ पे एंजॉय किया, यहाँ पे थोड़ा सा अपना ड्रोन उड़ाने का मन हो रहा है, तो पहले ड्रोन उड़ाते, आपको ड्रोन शॉट दिखाते और फिर बढ़ते आगे। मतलब मैं जैसे हमेशा वीडियोस वगैरह में कहता हूँ कि यार वीडियो कांट जस्टिफाई, लेकिन यहाँ पे वीडियो कैन जस्टिफाई। तो दोस्तों चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, बढ़ते अभी अगला स्टॉप रहेगा अपना। सुबह से गाड़ी अच्छी खासी भगाई है, तो अभी गाड़ी मांग रही है खाने के लिए। बट मैं अभी जो एरिया से चल रहा हूँ वहाँ पे नियर बाय तो पेट्रोल पंप नहीं लग रहा, देखेंगे मिलेगा कहीं ना कहीं तो पेट्रोल पंप। इतनी सारी गाड़ियाँ आ जा रही है तो कहीं पर तो पेट्रोल रहेगा अवेलेबल। बट जो साइड वाले नज़ारे, कहीं अपने गन्ने के खेत है, कहीं अंगूर वाले बागान है, सही लग रहा है मौसम। और मैं अभी जो ट्रैवल कर रहा हूँ मई का महीना है, बट अभी लगता नहीं कि मैं मई के महीने में हूँ, अभी लगता है कि मैं कहीं ठंड वाले मौसम में हूँ। और आज मौसम भी इतना मतलब बढ़िया हो गया कि बादल वगैरह बादल आए तो सन ऊपर आया है, तो भी सूरज देवता अपने ऊपर आए तो भी गर्मी नहीं दे रहे, इतना लक अच्छा है आज मेरा कि इस मई की गर्मी में मुझे ठंडी ठंडी राइड, ठंडी ठंडी क्लाइमेट में राइड करने के लिए मिल रहा है। कहाँ पे निकला मैं अभी, भाई क्यों भागा रहा इतना, रुकना। जब रास्तों में हम निकलते हैं कोई भी राइड के लिए, तो एक दो ट्रक वाले ऐसे रास्ते में मिल ही जाते हैं जो हमको कुछ ऐसे बढ़िया सुना के जाते हैं। इस ट्रक वाले ने भी हमको सुनाया, तो आप भी सुनिए। बहुत गाड़ी भगा लिया, अभी थोड़ा सा खाना खा लेते कहीं बैठ के, थक गया अभी गाड़ी चला चला के। तो देखते अभी इधर क्या मिलता है। अच्छा खासा एक घंटे का ब्रेक लेने के बाद, ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेने के बाद अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे पीछे जो होटल दिख रही है वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया अच्छे से, तो अभी निकल रहे हैं। रिकमेंड करूँगा मैं भी ये होटल, टेस्ट के बारे में अच्छा है ये है। अभी धुले से 10 किलोमीटर पहले, जब मैं पुणे से धुले जाता हूँ तो उसके 10 किलोमीटर पहले ये होटल है, तो ब्रेकफास्ट अच्छा मिला। तो निकलते अभी एक घंटा आराम से, गाड़ी भी ठंडा हो गया, तो निकलते अभी सीधा पहुँचेंगे। जितना पास में इंदौर के पास में पहुँचना होता है उतने पास में पहुँचेंगे, फिर भी दुख के टाइम गाड़ी नहीं चलेंगे, 2 घंटे गाड़ी चलेंगे, फिर ब्रेक लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को तो पता ही है कि धूप के टाइम गाड़ी चला नहीं पाते कोई रॉयल एनफील्ड वाले बंदे जो है। मैं तो नहीं चला पाता भाई रॉयल एनफील्ड, क्योंकि बहुत हीट होती है यार गाड़ी। तो देखते हैं, यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे हैं, तो आप एंजॉय कीजिए मेरे साथ अभी आगे का सफ़र। निकला उस समर में, बट अभी मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं बारिश के सीज़न में राइड के लिए निकला हूँ। मैं अभी हूँ एमपी बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आके खालघाट है, एक घाट सेक्शन है, खालघाट बोलते हैं उसको, वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे बारिश हो रही है भाई साहब, बिलीव नहीं होता है। धूप के टाइम पे, मतलब मई महीना चल रहा है, मई का फर्स्ट वीक है, मैं आपको हर टाइम जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि मैं कौन से सीज़न में जा रहा हूँ, नेपाल या कहीं पे भी जा रहा हूँ। तो ये मई का फर्स्ट वीक है, फुल्ली गर्म
हॉट वेदर होना चाहिए था, बट यहाँ पे हो रही बारिश। आजकल सीजन का कुछ बताया भी नहीं सकते, बारिश हो रही भाई साहब। ये मेरे लिए तो अच्छी बात है क्योंकि रॉयल एनफील्ड बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो एक मेरे लिए अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है ऐसी हल्की हल्की बारिश में गाड़ी चलाने का। थोड़ा धूप छाव का मौसम है तो बीच में ही रुकते रुकते हम चल रहे, कभी ये खाएंगे वो खाएंगे। तो अभी हम रुके एक फैमिली रेस्टोरेंट में और यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं हम लोग कचौरी वो भी किसकी, अपनी एमपी की स्टाइल में। उन्होंने क्या किया है, कचौरी का छोटे छोटे पीसेस के ऊपर उसके ऊपर अपना कड़ी डाला है और उसके ऊपर सेव डाला है, सही लग रहा है एकदम। तो अभी चलो इसका मज़ा लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे वापस एक बार। हाँ देखिए